नमस्कार बच्चों, ये सवाल दिख रहे हो टेंथ बोर्ड की अच्छी अच्छी बुकों में, तो आपको ये सवाल दिख जाएगा रेशियो का, और साथ ही साथ ये CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। चलो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, नहीं हुआ ध्यान से देखना जबरदस्त कॉन्सेप्ट को। देखो प्यारे बच्चों, कभी भी आपको ऐसे रेशियोज की वैल्यू दी जाए तो आपको नोटिस इतना करना होता है कि जो चेंज न्यूमरेटर में हो रहा है क्या वही चेंज डिनोमिनेटर में हो रहा है। जैसे कि देखो, ए न्यूमरेटर है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो बी को भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर सी को 3 से यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका नीचे डिनोमिनेटर डी को भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर पी को -4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो क्यू को भी -4 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर कभी भी ऐसा हो कि जितना चेंज न्यूमरेटर में हो उतना ही चेंज डिनोमिनेटर में हो, तो चाहे इनको आप जोड़ लो चाहे इनको आप घटा दो, आपका आंसर वही रहेगा जो इनकी रेशियो की वैल्यू है, यानी कि 5/4। यानी एक उदाहरण देकर के आपको समझाएं, अगर a upon b equal c upon d equal e by f, ऐसे करके आपको कुछ वैल्यू दे दीजिए 5/4, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए a plus c plus e upon b plus d plus f कितना होगा, तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चों वही सेम 5/4। अगर a minus c minus e upon b minus d minus f पूछे तो भी 5/4। अगर a में हम कुछ चेंज करें लेकिन वही सेम चेंज हमको b में भी करना पड़ेगा, 2a plus c plus e upon 2b plus d plus f, तो भी 5/4। समझ में आया? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताइए, ठीक है। इसी तरह से एक मिनट की वीडियो में मैं करूंगा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग और बनाऊंगा आपके एमसीक्यू को इजी।